उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से अयोध्या के दौरे पर रहे, जहां सीएम योगी ने अयोध्या नगर स्थित जीआईसी ग्राउंड में आयोजित होने वाला आरोग्य आयुष मेले का उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बता दें कि अयोध्या के जीआईसी मैदान में आयोजित दो दिवसीय आयुष मेले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम मौजूद रहा। वहीं कार्यक्रम में आई महिलाओं से हमारे संवाददाता अभिनय मिश्रा ने बातचीत की। तो 2022 का चुनाव आ रहा है, उसको लेकर के यहाँ पे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जीआईसी मैदान में आ भी रहे हैं और यहाँ पे लोकार्पण भी करेंगे, शिलान्यास भी कई योजनाओं का करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे साथ महिला है, महिलाएं उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम पड़ता है आपका? मेरा नाम किरण पांडे है, मैं गुप्तार घाट की रहने वाली हूँ। मैं मोदी हूँ कि हम बेरोजगार है, हमारे चार बच्चे हैं, मेरे कोई कमाने वाला नहीं है, मुझे कोई ना कोई जॉब दे या नौकरी दे, कुछ दे। इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमें कोई ना कोई सहारा दे। हम लोग सुबह से आके यहाँ बैठे हैं इसलिए बैठे हैं कि आएंगे हम लोग भी अपना कुछ बताएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम है वो भी हम बताएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ आके बैठे। हमें कुछ नहीं चाहिए। हम लोग मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे आप? अगर हम लोग को सहारा देंगे तो हम लोग भी उनको सहारा देंगे, अगर हम लोग को नहीं देंगे तो हम लोग भी नहीं देंगे। तो क्या लग रहा है 5 सालों में क्या हुआ? 5 सालों में हुआ, जिसके पास सब कुछ है उसको सब मिला, जो गरीब है उसको तो कुछ नहीं मिला। क्या मिला? गेहूँ चावल खा के अब कितना दिन जिंदा रहोगे आप? तो दोबारा वोट देना पसंद करेंगे? देंगे वोट, क्यों नहीं देंगे, लेकिन देंगे, लेकिन हम लोगों को सहारा देंगे तो हम लोग भी देंगे। और रोजगार नहीं मिल रहा क्या? कोई रोजगार नहीं है, मजदूरी करते हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, ना आवास मिल रहा है, ना नौकरी कहीं है, ना जॉब है, लेबर गिरी करते हैं, ईटा गारा करते हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बहुत रोजगार दिया गया है, पता नहीं किसको दिया है, हम लोगों को तो कुछ नहीं मिला है। हमें तो कुछ नहीं मिला, जब हमें नहीं मिला तो हम नहीं बोले कि मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है और ना ही कोई नौकरी मिली है, हम लोगों को अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है। हम होना चाहिए, जब हमारा काम होगा हम खुश रहेंगे, जब ही तो हम उनको खुश रख पाएंगे। जब वो आएंगे ही आएंगे, अगर जब कोई अगर चाहेगा तो वो आएंगे। अब उसमें हम दे या ना दे, हर कोई चाहेगा तो आएंगे ही, हमारे देने या न देने, एक देने एक देने ना देने से तो कुछ होता है। से हार भी जाता है? नहीं, हार तो जाते हैं, लेकिन अब वो जीतेंगे तो समझ। जीत अपना देखा जाएगा, लेकिन हम लोग को रोजगार चाहिए, हम लोग विधवा आदमी है। लोग कहते हैं विधवा को भी इतना सुविधा मिला, कहाँ जा रहा है, किसको मिल रहा है? पेंशन नहीं मिली। पेंशन क्या मिल रहा है? 500 रुपए महीना दे रहे हैं, क्या मिल रहा है? 500 रुपए महीना में 3 महीना में एक बार आती है, 1500 में कितना खाओगे आप? अगली सरकार करिए, हमारी सरकार बनेगी तो 2000 रुपए देंगे। तो देगा तो जीतेगा तो देगा तो वो भी हम लोग देंगे। वोट देना पसंद करेंगे? देंगे, क्यों नहीं देंगे, अगर बोल रहा है देने को तो हम लोग देंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि महिलाओं का साफ तौर पे कहना है कि रोजगार को लेकर के भी काफी समस्याएं हैं और बेवा भी है, उनको भी यहाँ पे पेंशन जो 500 रुपए मिल रही है उससे भला नहीं हो रहा है। और लोगों की यही मांग है यहाँ पे कि जो सरकार द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ जो है आपात्रों को मिल रहा है। हम तो रोड सरकार सोचते यही बनी रहे, लेकिन हमें महंगाई से बहुत प्रॉब्लम, हमारे अभी बहुत गरीब हम परिवार से है, हम लोग दिक्कत होती है, मजदूरी करते हैं हम लोग भी, कितना सामान महंगा हो गया है। वोट नहीं देंगे तो राशन होटल जिसे नाम कर।